Hey students, so welcome back, and we are dealing with the topic that is the heredity and evolution in organisms. In this chapter, we had already completed with the law of segregation. Law of segregation क्या बताता है? Basically हमें कि कोई भी genes हैं वो meet करने से पहले क्या करते हैं? Segregate करते हैं, means there is a pair of alleles and it considers the traits. ठीक है, alleles जो होते हैं they are comparative in nature, they are alternative in nature. ठीक है, तो law of segregation का क्या मतलब है? The results of the monohybrid cause enabled Mendel to formulate his first law of inheritance, which is called the law of segregation. Law of segregation क्या बताता है? It states that the characteristics or traits of an organism are determined by internal factors which occur in pair. जो मेंडल ने basically genes का मतलब बोला था factors. Genes को मेंडल ने genes नहीं बोला था, factors बोला था. And genes के जो alternative pair of character है उसको हम alleles बोलते हैं. उसने उसको भी factors ही बोला था. तो उसने ये कहा था कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म का एक या फिर कोई भी ट्रेट है जो वो डिटरमाइन होता है इंटरनल फैक्टर्स से, और वो फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर्स में अकर करते हैं. एंड हर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक पेयर जाता है एंड उसको एक गैमेट के अंदर. सपोज करो कि मेरे पास दो एलील्स हैं, एक है फॉर द ब्राउन कलर ऑफ द हेयर, एक है फॉर द ब्लैक कलर ऑफ द हेयर. मेरे गैमेट के अंदर एक गैमेट के अंदर जाएगा ब्लैक कलर वाला जीन, एक गैमेट के अंदर जाएगा ब्राउन कलर वाला जीन. सो दिस इज अ बेसिक थिंग. ओनली वन पेयर ऑफ अ सच ऑर्गेनिज्म, सच फैक्टर्स कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल गैमेट. अ क्रॉस व्हिच इन्वॉल्व्स प्लांट्स विद टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड द डाईहाइब्रिड क्रॉस. अब अगर हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस को भी देख लिया था. डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमने राउंड एंड येलो वाले दो कैरेक्टरिस्टिक्स को कलेक्टिवली या वी कैन से टुगेदरली लिया था. अ क्रॉस ऑफ पी प्लांट हैविंग राउंड एंड येलो सीड्स एंड प्लांट्स विद रिंकल्स एंड ग्रीन सीड्स. उसकी फिनोटिपिक रेशियो थी 9:3:3:1 और उसकी जीनोटिपिक रेशियो थी 1:4:1:1:2:2:2. मतलब 4-1 वाले कैरेक्टर्स थे एंड 4-2 वाले कैरेक्टर्स. बेसिकली दैट वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि पहले क्या करते हैं, जो गैमेट्स हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं एंड बाद में वो क्या कर जाती है, मीट कर जाती है. अब देखो, सपोज करो स्टूडेंट्स एक चीज को, नेक्स्ट अपना जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि मेरे पास दो जीन्स हैं, वन इज फॉर द रिसेसिव कैरेक्टर, अदर इज फॉर द डोमिनेंट कैरेक्टर. गैमेट्स के अंदर ये इंडिपेंडेंटली जाते हैं. ठीक है, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर जो है वो रिसेसिव वाले को ऑल्टर नहीं करेगा, चेंज नहीं कर सकता, अपना इफेक्ट नहीं डाल सकता उस पर. एंड जो रिसेसिव वाला जीन है वो भी डोमिनेंट वाले से डर नहीं सकता है या डोमिनेंट वाले को डरा भी नहीं सकता है. दिस वॉज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इसके बारे में हम रीड करते हैं. दैट इज द रिजल्ट्स ऑफ द डाईहाइब्रिड क्रॉस. सपोज करो हम राउंड एंड येलो सीड्स की बात करते हैं, तो हमने ये देखा था कि राउंड कैरेक्टर है वो भी डोमिनेंट है, येलो कैरेक्टर है वो भी डोमिनेंट है. अगर सीड रिंकल्ड है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि उसका जो सीड टाइप है वो भी क्या होगा, सीड कलर है वो भी क्या होगा, ग्रीन होगा. मतलब एक कैरेक्टर अगर रिसेसिव आ गया तो दूसरा कैरेक्टर भी रिसेसिव आएगा. दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. कोई भी कैरेक्टर है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड दे आर नॉट रिलेटेड एंड वो किसी भी तरह से किसी भी जीन टाइप को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, जीन की एग्जिबिटेंस को या उसके जो कैरेक्टर को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो ये क्या चीज है? The results of the dihybrid cross enabled Mendel to formulate his second law of inheritance, which is called the law of independent assortment.
it states that in the inheritance of more than one pair of traits in a cross simultaneously, the factors responsible for each pair of traits are distributed independently to the gametes. इंडिपेंडेंटली टू द गैमेट्स का मतलब अगर एक कैरेक्टरिस्टिक रिसेसिव गया है तो जरूरी नहीं है दूसरा भी रिसेसिव जाएगा, दूसरा जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ द कैरेक्टर. कि पहले वाला कैरेक्टर सपोज करो मेरे पास दो कैरेक्टर है, आई कलर एंड हेयर कलर. अगर मेरा आई कलर ब्राउन है तो ये किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं डालेगा हेयर कलर को, कि हेयर कलर ब्राउन ही होना चाहिए या हेयर कलर ब्लैक होना चाहिए. ठीक है, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को इंडिपेंडेंटली एग्जिबिट करता है. नाउ डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ये क्या है? एक हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है. ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन. ये एक ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना है जिसमें क्या है डीऑक्सीजनेशन हो जाती है. And this is our genetic material. And ये thread-like structures में हमारे cells के अंदर present होता है and हर characteristic के लिए responsible होता है. DNA is a highly complex molecule with a spirally coiled double helical structure which appears like ladder. Basically DNA का जो structure होता है that is double helical and it appears ladder-like. लैडर लाइक कैसे है? क्योंकि ये जो दो हेलिक्स हैं, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन देम. तो अगर हम इसको रिकॉइल अनकॉइल करके देखते हैं तो बेसिकली इसका कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? लैडर की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा. एंड इट इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, स्पाइरली कॉइल्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर व्हिच अपीयर्स लाइक लैडर. So, other question aa gaya, what is DNA? You have to write that DNA is a highly complex molecule with a spirally coiled. Spirally coiled ka matlab S shape se coiled hota hai. Double helical matlab iske do dhaage hote hain. And they are also helical in shape. And agar hum usko recoil karke dekhte hain, to wo ladder ki tarah dikhta hai. It is the genetic material of all the organisms. Ye bhi aapko point likhna hai. It is the genetic material of all the organisms. Now, let us read about the inherited and acquired character. The difference between the inherited and acquired character. Inherited characters are those characters which are inherited from the previous generation. Suppose karo hair color, hair type and other things. These are the characteristics that are inherited from the previous generations. Suppose karo intelligence jo ek factor hai, that is the factor that you had inherited from your parents. And the next thing is the acquired characters. इंटेलिजेंस आपको इनहेरिटेड मिली थी और इंटेलिजेंस को यूज करके आपने क्या सीख ली? इंग्लिश स्पीकिंग सीख ली. So that is an acquired character. वो क्या है? वो कभी भी inherit नहीं हो सकता है. Characteristics inherited from the previous generations. Acquired characters are those characteristics which develop in response to the environment and cannot be inherited. These are the characters that are developed in the response to the environment and these cannot be inherited. For example, अगर किसी ने English speaking सीखी है तो जरूरी नहीं है कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखेगी. इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट को कितनी मेहनत कर रहे हैं और नॉट. नाउ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो है दे अकर जो इनहेरिटेंस होती है बेसिकली दे अकर ड्यू टू द चेंजेस इन द जीन्स और द डीएनए. जीन्स और डीएनए में अगर कोई भी चेंज होगा तो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो है वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास करेंगे. बट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के अंदर कोई भी जीन, नो जीन इज रिस्पॉन्सिबल, नो डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल और नो अदर काइंड ऑफ जेनेटिक मटीरियल इज रिस्पॉन्सिबल. इनहेरिटेड कैरेक्टर्स पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. बट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर. फॉर एग्जाम्पल रेड हेयर, रेड कलर ऑफ द हेयर, curly appearance of the hair
and brown eyes of the brown color of the eyes. And in acquired characteristics, we have the examples of cycling and swimming. These are the characteristics that we have learned after birth and we had not inherited it from our parents. So that was all about the difference between inherited characters and acquired characters. Now let us go to the next topic.